बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा और एक एक कर हिंदुओं को नौकरियों से जबरन इस्तीफा दिलवाया जा रहा। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस ने भले ही अंतरिम सरकार बना ली, लेकिन निशाने पर आए हिंदू सेफ नहीं है। कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं के घर और पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब हिंदुओं की सरकारी नौकरियां कट्टरपंथियों के सीधे निशाने पर हैं। नौकरी छोड़ने के लिए उन्हें या धमकाया जा रहा है या जबरन इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। ये तस्वीर गीतांजलि बरुआ की है, जो बांग्लादेश के शिक्षा बोर्ड में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। इन्हें कट्टरपंथी बार बार इस्तीफा देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ये तस्वीर सोनाली रानी दास की है, जो बांग्लादेश के ढाका में हॉली फैमिली रेड क्रॉस नर्सिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने उन्हें इतना परेशान किया कि उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सोनाली रानी का इस्तीफा पत्र भी दी न्यूज के पास है। बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे परेशान किया जा रहा है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। ये बांग्लादेश की पूर्व विदेश मंत्री दीपू मोनी है, जिन्हें सोमवार को ढाका कोर्ट में नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वकीलों ने बार बार प्रताड़ित किया। बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता देश में शरिया कानून लागू करके बांग्लादेश को अफगानिस्तान बना देना चाहते हैं। इसका पहला रुझान सामने भी आ गया है। बांग्लादेश में अब डीजे और म्यूजिक पर पाबंदी लगाई गई। बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान का बुत ध्वस्त हो चुका है। दरिंदों ने कसम उठा ली है कि अब बांग्लादेश में एक भी प्रतिमा, एक भी मूर्ति नहीं बचेगी, एक भी मंदिर नहीं बचेगा। वो कसम कि बांग्लादेश की धरती को भी अफगानिस्तान बना देंगे। एक एक तस्वीर बता रही है कि कैसे बांग्लादेश में महज 15 दिन के अंदर तालिबान ने कदम रख दिए हैं। एक एक फरमान बता रहा है कि कैसे बांग्लादेश में संविधान हटाकर शरिया कायम होने वाला है। इसकी ताजा मिसाल है मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पहला तालिबानी फरमान। ये फरमान हिंदुओं के लिए सीधे सीधे है। इस फरमान में साफ कहा गया है, शादी समारोह में डीजे म्यूजिक बैन कर दिया गया है। राजधानी ढाका में अज्ञात लोगों ने हॉकी स्टिक और लाठियों से एक मीडिया संस्थान के दफ्तर पर हमला बोल दिया। खबर के मुताबिक करीब 70 हमलावरों ने मीडिया ग्रुप के दफ्तर में तोड़फोड़ की। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश अब तालिबान बनने की राह पर है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए डीजे और म्यूजिक पर पाबंदी लगाकर मोहम्मद यूनुस सरकार ने अपनी मंशा साफ की। अब ऐसे में अगर बांग्लादेश में पूरी तरह से तालिबानी कानून लागू हो गया तो देखिए आवाम पर किस तरह से असर होगा। आपको ग्राफिक्स सिखाते हैं। महिलाएं अकेले बाजार जा नहीं पाएंगी, उन्हें सिर्फ मर्दों के साथ ही निकलने की अनुमति मिल पाएगी। महिलाओं को हाई हील्स पहनने पर पाबंदी, सख्त सजा होगी ऐसे में। और महिलाएं पैरों में क्या पहनेंगी, इसका फैसला भी कट्टरपंथी पुरुष लिया करेंगे। महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर ऊंची आवाज में कुछ भी बोलने की मनाही होगी। और 8 साल की उम्र के बाद महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी होगी। महिलाओं के वीडियो बनाने, फोटोग्राफी करने पर पाबंदी होगी। महिलाएं रेडियो या टेलीविजन में काम नहीं कर पाएंगी। यहां तक कि महिलाओं को अपने घर या फिर अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़े रहने की अनुमति नहीं होगी। तो तालिबानी राज में महिलाएं साइकिल, मोटरसाइकिल नहीं चला सकती और ऐसा बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ पुरुषों के लिए लंबी दाढ़ी रखना अनिवार्य होगा। पुरुषों के सिगरेट, बीड़ी पीने पर रोक लगा दी जाएगी। तो आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से क्या क्या पाबंदियां होंगी। इस बीच किसी भी नियम कायदे का उल्लंघन करने पर बीच सड़क पर सजा का प्रावधान भी जारी होगा। तो ये सारे जो बदलाव हैं, ये उनके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। पुरुषों अपने फोन में अपनी पत्नी की तस्वीर भी नहीं रख पाएंगे। Z News.